गुड मॉर्निंग। तुम्हारा आज इनडेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर वन है। ये बिहार वालों के लिए है जो भी इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 14 से लेकर के 16 नंबर तक, 14 to 16 नंबर्स के आसपास में ये कवर करता है तुम्हारा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कि कोई ट्रिक होता नहीं है एक्चुअली। ये तुम्हारा क्या उसको बोला जाता है कि एक तरह के IQ लेवल पे बेस्ड है, समझे? बिना कोई फॉर्मूला, हल्का फुल्का फॉर्मूला जान लो, बाकी कैसे रिड्यूस करके कैसे करना है ये टोटली तुम्हारा IQ लेवल पे डिपेंड करता है। इसलिए कैसे करना है इंटीग्रल को, ये चीज सीखना मेन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो उस चीज के लिए हम लोग आज पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आ जाओ, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी जुट जाओ, जल्दी जल्दी जुट जाओ। उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेम से मैथ्स 2 इनडेफिनिट इंटीग्रल। शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीपू कुमार, चलो शुरू 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 शुरू। गुड मॉर्निंग विष्णु, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है वो चीज देख लेना। इंटीग्रेशन क्या होता है लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले तुमको क्या एग्जाम्पल दिए हुए थे हम, कि किसी भी चौक को पकड़ो, चौक को तोड़ते जाओ, चौक को तोड़ते जाओ, तो उसका जो पार्टिकल के फॉर्म में, जो भी वो एक छोटे छोटे बुरादे के फॉर्म में या धूल के फॉर्म में जो गिरेगा वो क्या होगा, तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? या दूसरा फॉर्म, उसको हल्का हल्का छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते जाओ, तो जिस फॉर्म में तुम उसको अलग कर रहे हो वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है? बट अगर हम जो टूटा टूटा है उसको पकड़ के जोड़ करके फिर एक चौक बना दे तो वो इंटीग्रेशन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन, यानी किसी भी चीज को जोड़ना या समेशन करना इंटीग्रल कहलाता है, या इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है? किसी भी चीज को जोड़ना या समेशन करना इंटीग्रेशन कहलाता है, छोटे छोटे भागों में जोड़ना, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, ठीक है बाबू? इंटीग्रल का मतलब है समेशन। अमन सिंह, ये अभी क्लास में मत पूछो एक्चुअली, ये थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है, ठीक है? फिलहाल में अभी यहां फोकस करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़ना, ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, ध्यान से सुनना, टॉपिक बहुत हार्ड है, टॉपिक एक हार्ड टॉपिक है ये वाला, और ज्यादा मार्क्स को कवर करता है, ध्यान से सुनना। तो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट होता है और दूसरा होता है क्या? डेफिनिट। इनडेफिनिट से सिंपल से एकदम तुमको मालूम चल रहा है कि इसमें कोई चीज डेफिनिट नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब कोई भी चीज इसमें डेफिनिट नहीं है, यानी हमको ये चीज मालूम नहीं है कि ये इंटीग्रेशन कहां से लेकर के कहां तक करना है, ठीक है? जैसे कि अगर हम तुमको बता दें कि तुमको चलना है अपने घर से लेकर के अपने कॉलेज तक जाना है, ठीक है, या अपने हॉस्टल से लेकर के अपने कॉलेज तक जाना है, तुम एक डेफिनेट पाथ तुमको मिल गया कि हाँ हमको जाना है कहां से, अपने रूम से लेकर के अपने कॉलेज तक जाना है, ठीक है? तो ये डेफिनेट हो गया। इन केस अगर हम तुमको बोल दे कि तुमको बस चलना है,
और तुमको हम बताए नहीं कि कहां से कहां चलना है। तुम अपने घर से निकलोगे या अपने रूम से निकलोगे, बस चलते जाओगे, तुमको तो मालूम भी नहीं है कि तुमको कहां जाना है। तो वो होता है इनडेफिनिट। जब हमको ये चीज पता ना हो कि कहां से कहां तक के अंदर हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यानी फिक्स्ड ना हो। और डेफिनेट क्या होता है कि हमको मालूम होता है कहां से कहां तक के बीच में हमको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। When, when limits are not given, इसका अर्थ ही यही है, when limits are not given, यानी कि हमको ये चीज मालूम नहीं होगा कि कहां से कहां तक के बीच में करना, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। ध्यान से समझना इसको, आराम से और बढ़िया से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है टॉपिक। अभी तक जो तुम पढ़े हो वो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना प्रॉब्लमेटिक ये होगा। लिमिट्स आर गिवन, यानी हमको मालूम है अब इस केस में कि हाँ ये होने वाला है। पढ़ाई कब से चालू होगा सुजीत? ये चीज हमको मालूम नहीं है, हमको बस टॉपिक दिया जाता है कि पढ़ाना है, हमको बस टॉपिक दिया जाता है कि पढ़ाना है, और ये चीज नहीं बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स कब लॉन्च होने वाला है। ये खुद यहाँ के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड नहीं करते। हाँ हाँ राहुल कुमार, राहुल कुमार रवि, ये बिहार का ही चल रहा है, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट हो गया और ये डेफिनिट हो गया, ठीक। अब देखो तो एक बात और बताओ हमको कि जब इन केस ये चीज मालूम नहीं है हमको कि कहां से कहां जाना है, तो बस इसको डिनोट ऐसे करते हैं। बैक में कर दे क्या इसके, ध्यान से समझना। तो ये रहा तुम्हारा इनडेफिनिट और ये हुआ तुम्हारा डेफिनिट। ठीक है, और ये इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू? देखो डिनोट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये जो देख रहे हो ये वाला एस का साइन, ये इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब हम क्या बताए थे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, समेशन का आगे एस है, क्या है आगे एस है, और यही एस को पकड़ के जब ऊपर नीचे खींच दिया जाता है, इसी एस को पकड़ के खींच दिया जाता है, तो ये ऐसे बनता है। देखो एस को पकड़ के दोनों तरफ से खींच दिए हैं तो ये ऐसे बन गया, और यही होता है इंटीग्रल का साइन, क्योंकि इंटीग्रल होता है क्या, समेशन, यानी जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इसमें यहां और यहां लिमिट नहीं रहता है। किस केस में? इनडेफिनिट के केस में। बट बाबू डेफिनिट के केस में रहता है, तो डेफिनिट के केस में क्या रहता है, रहता है यहां पर एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक। देखो यहां लिमिट है, यानी हमको मालूम है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हम बस डिफरेंस बताते जा रहे हैं अभी। रेखा राणा, डोंट डू दिस, ये सब काम ना किया करो, ठीक है। अच्छा एक और डिफरेंस बता रहे हैं केवल, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये फंक्शन को निकालने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड टू फाइंड अ फंक्शन, फाइंड द फंक्शन, और इसका एरिया को निकालने के लिए किया जाता है, यूज्ड टू फाइंड एरिया। बस देखो क्या कह रहे हैं हम ये बोले कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि छोटे 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 चीजों को एक साथ मिला के जोड़ देना, छोटे छोटे चीजों को एक साथ मिला के जोड़ देना। जैसे जो छोटा छोटा भाग में चौक टूटा हुआ था उसको पकड़ के एक साथ फिर से चौक बना देना, इंटीग्रेशन कहला गया वो। या बैग का चैन पकड़ो, बैग का चैन पकड़ के खोल दो, तो जब वो खोल रहे हो तो देखना कि उसका जो आगे वाला होता है
जब बैग का चैन पकड़ के तुम लोग खोल रहे हो उसको, तो देखना चैन इस टाइप का होता है, ऐसा 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 ऐसे होता है। जब चैन बंद होता है तो ऐसे ऐसे होता है, जब तुम लोग उसको खोल रहे हो तो वो कैसे हो जाएगा बाबू, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। तो तुम लोग ये वाले जो चीज है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हो, तो नीचे वाला जो है जब खोला गया तो उसको डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, और जब बंद कर दिया गया तो उसको क्या कहलाएगा, एक साथ आके सब जुड़ गया है, एक साथ आके सब जुड़ गया है। तो जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन है ना, छोटे छोटे चीजों को जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन है ना। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है, तो बोलना छोटे छोटे चीजों को जोड़ देना आपस में मिला करके, वो इंटीग्रेशन कहलाता है सर। और डिफ्रेंशिएशन क्या है, पकड़ के उसको फिर से छोटे छोटे भाग में तोड़ देना, डिफ्रेंशिएशन कहलाता है सर। बोलेगा क्या कि इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है सर। कितने कितने, कौन कौन सा, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल होता है सर। हाँ बबलू कुमार बिहार पॉलिटेक्निक का है। देखो तो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है सर, कि ये वो वाला इंटीग्रेशन है जब हमको मालूम नहीं होता है कि कहां से कहां तक जाना होता है, मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना, ये चीज हमको मालूम नहीं होता सर, तो वो इनडेफिनिट कहलाता है। और इन केस अगर हमको मालूम चल जाए कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो वो डेफिनिट कहला जाता है सर। ठीक है, अब देखो तो अब ये पूछेगा कि तुम बताओ कि इनडेफिनिट का और डेफिनिट का यूज क्यों करते हैं। तो इनडेफिनिट का यूज करते हैं सर जब हमको फंक्शन को निकालना होता है, कोई भी फंक्शन निकालना होता है, और डेफिनिट का यूज करते हैं जब हमको एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एरिया। डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो देखो अब। हाँ देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किस चौक को तोड़ना डिफरेंशिएशन कहला गया और उसको जोड़ना इंटीग्रेशन कहला गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तुम्हारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। ये चीज कहा जा सकता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, क्योंकि एक को तुम तोड़ रहे हो और उसी को पकड़ के जोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज लिखा जा सकता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। ठीक है, और इसको जो है एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। डेरिवेटिव मतलब तोड़ना, और एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा। अभी तो बताया था कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा है ये चीज। ऑफन कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, मिस्टर सनातनी, आई थिंक नो मिस्टर सनातनी नहीं। तो देखो, तो तुम लोग क्या क्या जानते थे, तुम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करता था। क्या करता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब करता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता था तो क्या आता था, कॉस एक्स आता था। तो हम क्या बोले कि ये जस्ट उल्टा है उसका, जस्ट उल्टा है इसका। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए। बिल्कुल यही होता ही है, यही होता ही है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, इसलिए जो यहां पे आया उसका जस्ट उल्टा वहां चला गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में कि तुम ये देखो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, होता क्या था, माइनस साइन एक्स होता था। ठीक है, तो इंटीग्रल इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। इसका मतलब क्या है कि आप तोड़े हैं ना सर,
आप cos x को तोड़े हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, तो माइनस sin x आ रहा है ना। आप तो बोले थे कि इसका उल्टा है, इसका मतलब यह है कि अगर हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। sin x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, sin x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x ही आएगा बाबू। समझे समझे कि नहीं समझे? ये इतना इजी है, इतना इजी है, बस ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात और सुनो कि ये आप तो एक चीज, एक और एग्जांपल देखो कि आप तो एक चीज हमको बताए थे सर कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, सर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो आप जैसा हमको बताए हैं कि n x टू द पावर n माइनस वन आएगा। हाँ आता है। तो आप खुद बोले हैं अभी कि ये उल्टा है डिफरेंशिएशन का, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये तो उल्टा आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटीग्रल करो n x टू द पावर n माइनस वन का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो बाबू ये आ जाएगा x टू द पावर n। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये उल्टा है इसीलिए आएगा। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा सबको? हमारे साथ अभी फिलहाल में 11 लोग जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा तो ऐसा ऐसे करो, समझ में आ रहा तो ऐसा ऐसे करो। मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब बात। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि ये सब चीज को होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ समझ में आ रहा सबको? ठीक है, तो ये एकदम डायरेक्ट का डायरेक्ट उल्टा है, जो होना चाहिए उसे जस्ट उल्टा है। अब इसका कुछ कुछ फॉर्मूला है, समझे? तो वो फॉर्मूला हम तुमको बता देते हैं, वो फॉर्मूला हम तुमको बता देते हैं, रुक जाओ। चलो दिख रहा सबको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो जूम कैसे करें? कुछ फॉर्मूला है? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे x टू द पावर n का, यहाँ पर तुम देख सकते हो, एकदम देख सकते हो, सही है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक चीज ध्यान देना, तुम लोग यहां फोकस मत करना, ठीक है? यहां पे फोकस करना, यहां पे फोकस करना। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस बाई n प्लस 1 होता है, ठीक है? बस ऊपर वाले में एक जोड़ दो और उसी को नीचे से डिवाइड कर दो। मतलब यह है कि तुम्हारा पास x टू द पावर n है dx के साथ में, तो क्या करो कि ऊपर वाले में देखो पावर में n है ना, पावर में n है तो वहां पे एक जोड़ दो, और जब जोड़ दिया है तो वही वाला पावर उतार दो, बाई के साथ में उतार दो, ठीक है? तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n का।
उसी टाइप से कुछ कुछ फॉर्मूला है बाबू, इसी टाइप से कुछ कुछ फॉर्मूला है हमारा, ठीक ना। वन बाई एक्स का होता है लॉग एक्स, वन बाई एक्स का होता है लॉग एक्स। हाँ विष्णु के पास भी, आरडी शर्मा यही है। वन बाई एक्स का होता है लॉग एक्स, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x by log a। सुनो, a टू द पावर x by log a, a टू द पावर x by log a। अब तुम लोग डिफरेंशिएशन तो जानता था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सुनो ध्यान से, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये रहा तुम्हारा माइनस cos x वाला ऊपर, ठीक है। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम तुमको दे देंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम तुमको दे देंगे। फिलहाल मैं देखो अभी बस इसी तरह से कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। देखो मिस्टर बी ए बी यू, बस इसी तरीका से फॉर्मूला दिया हुआ है, यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले, ठीक है ना। अभी कुछ कुछ चीज बताएंगे और उसके साथ साथ देखो ये फॉर्मूला जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ में याद रहेगा, ऐसे याद कुछ नहीं रहने वाला है। तुम ऐसे बैठ के रट भी लोगे ना तो याद नहीं होगा, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाते के साथ में सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंता ये नहीं करना है कि सर हमसे याद नहीं हो रहा है, चलो। और ये चीज हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, ये चीज हम तुमको दे देंगे साथ में, नोट्स के साथ में। अब क्या किया जाए कि कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ में हम कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं। बस बेसिक फॉर्मूला एक दो याद रखो, एक दो बेसिक फॉर्मूला याद रखो। कौन सा याद रखना है? ये पहला वाला, x टू द पावर n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। बस ऊपर वाले पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे सर, उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे। 1 बाई एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स। 1 बाई एक्स का क्या होता है सर? लॉग एक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन। और e टू द पावर x तो पहले ही से भूत है, वो तो बोलता है कि तुम हमको कुछ भी कर लो हम वहां से हटने वाले नहीं है, यानी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। और a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, ठीक। और ये सब तो तुमको ऐसे भी मालूम था, sin x cos x का। बस इतना ही याद रखो, कौन कौन याद रखो फिलहाल में, अभी फिलहाल में क्या क्या याद रखना है। फिलहाल में तुमको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। और साइन कॉस का तो तुम पहले ऐसे भी जानता था, साइन कॉस का तो तुम लोग पहले ऐसे भी जानते थे। बस इतना फिलहाल में याद रखो और बाकी तुमको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलो आगे देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, अब इंटीग्रेशन उसमें यूज होता होगा, मे भी यूज होता होगा। हम लोग को तो यही पढ़ना है बाबू, बिहार वाले का यही पढ़ना फिलहाल के लिए। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, x टू द पावर 4 dx, ठीक है, x टू द पावर 4 dx। ये चीज तुमको इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक। देखो सॉल्यूशन कोई बनाएगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, बस देखते जाओ, इजी है। इसी से हार्ड पे जाएंगे, धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे, साथ साथ में तुम्हारा पीवाईक्यू भी कराते जाएंगे, आज ही पीवाईक्यू भी कराते जाएंगे इसका। देखो पहला वाला फॉर्मूला x टू द पावर n, देखो x टू द पावर n, n के जगह पे 4 है, तो क्या था ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू, सर ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, और फिर नीचे वाले को उसी से डिवाइड कर दीजिए सर, डिवाइड कर दिए, और कांस्टेंट भी लिखा जाता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब तुम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो वो जीरो हो जाता था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो यहां पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो जीरो वाला सी तो आना चाहिए ना कम से कम, तो वो सी आ जाता है, लिखना पड़ता है, सी लिखना ही है। अब इसको क्या करो, एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये रहा तुम्हारा आंसर, कितना इजी है। इसी से होते हुए हार्ड पे जाएंगे, स्टार्टिंग लेकिन यहीं से करेंगे,
हाँ देखो आगे, धीरे 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 देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो कछुआ की तरह, लेकिन रेस उसी तरीका से जीतना जैसे कि बाकी सब बैठ गया था जीतने से पहले। सब बैठ जाए तुम मत बैठना, तुम बस चलते रहो। क्या है? 2DX, 2DX, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन ये कहता है कि 2DX है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर होता था ना, डिफरेंशिएशन में जैसे कांस्टेंट बाहर होता था ना, इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बाबू? 2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कहला जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा और सीखते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा डीएक्स को 1 इंटू डीएक्स लिख सकते हैं, डीएक्स को 1 इंटू डीएक्स लिख सकते हैं, 1 को डीएक्स से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी डीएक्स ही आने वाला है 2। अच्छा 1 क्या होता है? एक्स टू द पावर 0 भी तो 1 होता है ना, एक्स का पावर 0 1 होता है ना, बस उसी को हम लिख दिए। किसी चीज का भी पावर 1 हो जाता है, किसी चीज का भी पावर 0 हो जाए तो वो चीज 1 हो जाता है। नहीं पता है नंदलाल, और ये हमको बिहार का सिलेबस मिला हुआ है, सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल में, और ये बिहार का ही है। देखो किसी चीज का भी पावर अगर 0 आए तो वो क्या हो जाता है? 1। तो 1 को हम एक्स टू द पावर 0 लिख दिए हैं सर। अब देखो ये एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट है, तो हम वहां पे अब काम कर सकते हैं। हाँ 2x आंसर होगा दीपू कुमार, सही है। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0 dx है, क्या लिख सकते हैं? 2 एक्स टू द पावर 0 प्लस 1, ऊपर में एक बढ़ा दीजिए सर और नीचे में भी सेम काम कर दीजिए, और कांस्टेंट मत छोड़िएगा सर, कांस्टेंट मत छोड़िएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, यानी कि 2x प्लस सी, ये रहा इसका इंटीग्रेशन। यानी कोई पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2DX क्या होता है, तुम यहां पर डायरेक्ट आंसर ला दोगे कि देखिए ये होता है सर। समझ में आ रहा कितना इजी है? इजी है। इसी से बढ़ते हुए आगे चलते हैं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन से सीखना है, क्वेश्चन करते हुए दिखना है, क्योंकि ये थ्योरी ज्यादा नहीं रहता है इसमें, इसमें बस प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम अच्छा अच्छा आता है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा अच्छा आता है। फाइंड, फाइंड क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 होल dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देखो अभी तो जो तुम सीखे हो बस उसी से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस पावर पे एक जोड़ दो और उसी को नीचे से डिवाइड कर दो, बस पावर पे एक जोड़ दो और उसी से नीचे डिवाइड कर दो। तो क्या है ये कि 4x³ सबको तोड़ तोड़ के एक साथ लिख रहे हैं, तो ये dx लिख सकते हैं, यहां टूट गया, फिर से तोड़ो 3x² dx लिख रहे हैं, चलो फिर से तोड़ो 2x dx लिख देते हैं, फिर से तोड़ो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx लिख देते हैं। सब जगह इंटीग्रल टूट गया, इंटीग्रल सब जगह टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा? कांस्टेंट को बाहर फेंको, लाइक डिफरेंशिएशन, जैसा डिफरेंशिएशन कहता है वैसा ही ये भी कह रहा है, कांस्टेंट को बाहर फेंको, कांस्टेंट बाहर फेंकते जा रहे हैं, x² dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, कांस्टेंट बाहर फेंक चुके हैं। फेंकने के बाद देखो 4 एक्स टू द पावर 3 है बाबू, एक्स टू द पावर 3 है, कैसा फॉर्मेट है सर, कैसा फॉर्मेट है सर? हाँ इधर गया, यहां देखो ये पहला वाला है, एक्स टू द पावर एन डीएक्स वाला फॉर्मेट है, एक्स टू द पावर एन डीएक्स वाला, तो पावर में एक बढ़ाते हैं और उसी से नीचे डिवाइड करते हैं, तो बस वही वाला यूज करो। तो पावर में एक बढ़ाओगे यहां पे तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 3 एक्स टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1,
और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। देखो एक्स टू द पावर 1 है यहाँ पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। प्लस 5 एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। और सर हम कॉन्स्टेंट तो कोई जन्म में नहीं छोड़ेंगे सर, कॉन्स्टेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये आ रहा है, हम बस पावर एक बढ़ाए हैं और उसी से नीचे डिवाइड कर दिए, इतना इजी चीज है ये। हाँ दीपू ठीक है, ठीक है दीपू ठीक है। अब देखो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाबू, सिंप्लीफाई करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बस छोड़ना नहीं बढ़ने के लिए। एक बार रुक गया तो वो चीज शुरुआत करना दोबारा उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना पहले बार में मुश्किल था, इसीलिए छोड़ो नहीं उस चीज को, किए जाओ किए जाओ। थक रहे हो तो धीरे धीरे किए जाओ, अगर थक गया है तो धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो तभी तुम पहुंचोगे, नहीं तो एक बार बैठ गया तो चलने का मन नहीं करेगा बाबू। देखो सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, यहां से करने के बाद यहां सिंप्लीफाई कर दिए। अब काटा कुटी स्टार्ट किया जाए, चलो काटा जाए। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 तो काटने के लिए बचा नहीं, तो क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3। ठीक है देखो कितना इजी था इंटीग्रेशन, ऐसे करके एक्स टू द पावर एन वाले को ऐसे किया जाता है। ठीक है हाँ चलो, सबको समझ में आना जरूरी है, आना जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। और कुछ कराएं क्या? एक और क्वेश्चन कराते हैं, देखो कितना इजी इजी है, बस देखते जाओ। क्वेश्चन देखो, फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होल डीएक्स। इसका इंटीग्रल हमको निकालना है बाबू, इसका इंटीग्रल निकालना है। आंसर देख लेना, हाँ 5 छोड़ दिया दीपू कुमार, 5 छोड़ चुका है। सॉल्यूशन देखो, बस पावर को एक बढ़ा दो, पावर को एक बढ़ा दो। तो सबसे पहले तो सबको अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर डीएक्स सबको अलग अलग कर दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डीएक्स। अब देखो पावर को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख रहे हैं, एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जब जाएगा तो माइनस पावर हो जाता है बाबू, ये चीज तुम लोग पढ़े हुए हो पहले ही। एक्स टू द पावर माइनस 3 डी एक्स, देख रहा कैसे लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव था ऊपर ही था तो ऊपर ही छोड़ दिए, ये नीचे था तो इसको ऊपर ले जाना हमको जरूरी था, तो ऊपर लेके गया तो माइनस आ गया नीचे, फिर उसके बाद देखो इसको ऊपर लेके गया तो ऊपर पावर में माइनस आ गया। अब इसको इंटीग्रल को सॉल्व किया जाए तो क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या, एक्स टू पावर माइनस 2 डी एक्स, एक्स टू पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एक्स टू पावर माइनस 3 डी एक्स। यही तो था मिस्टर, हाँ यही है। अब देखो क्या करो, पावर को एक जोड़ दो, बस पावर में एक जोड़ दिए सर और नीचे भी डिवाइड कर दिए, बस पावर में हम जोड़ दिए और नीचे भी एक डिवाइड कर दिए, प्लस एक्स टू पावर माइनस 2 पावर में एक जोड़ दिए और नीचे डिवाइड कर दिए सर उतना ही से, फिर से सर पावर में उतना ही जोड़ दिए 1 और नीचे भी उतना ही जोड़ दिए। लेकिन एक चीज हम नहीं भूले हैं सर, क्या क्या नहीं भूले हो, कॉन्स्टेंट लिखना, अगर कॉन्स्टेंट नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको,
इसलिए कॉन्स्टेंट लिखना जरूरी है, सॉल्व करो। एक्स टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस सी, और सिंप्लीफाई करो तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस वन बाई एक्स और क्या माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन। आया आंसर, देखो कितना इजी है। हिमांशु पंडित क्यों बाहर जा रहे हो, व्हाट हैपेंड हिमांशु पंडित, समझ में नहीं आ रहा है क्या, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है और बोल रहा बाहर जा रहे हैं। फॉर्मूला एक दे दिए, वही फॉर्मूला पे सब कुछ है। ये देखो अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक करवा रहे हैं, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। फाइंड, क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डीएक्स, ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। कौन सा ईयर का है, तो ये है पीवाईक्यू 2017 का सेकंड सेम। अब बिहार वाले का कौन सा सेम का है देख लो, जीपी अररिया से कौन है, कोई भी हो क्या लेना देना। सॉल्यूशन यहां पर देखो, सॉल्यूशन यहां देखो, यहां देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, ये देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ध्यान से देखो ये a है, या इसको ऐसे बता देते हैं, ये चीज तुम्हारा a हो गया और ये चीज तुम्हारा b हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट हो गया। ये देखो किसका फॉर्म है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म। और फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता था। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, पहले इसको खोलो उसके बाद कुछ करना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वन बाई बी, बी क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको खोल दिए, खोलने के बाद सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो उसके बाद आगे बढ़ना। आकाश कौन सा ये का हो, क्या नाम है, बिहार या झारखंड, आकाश बिहार या झारखंड से हो, किससे हो। देखो टू इंटू थ्री हो जाएगा, पावर जब इस तरह का होता है तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाइड फॉर्म यानी दो तीन छह, तो ये पावर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर क्या सिक्स प्लस x टू दी पावर फोर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स टू दी पावर फोर। देखो कितना इजी इजी है, कितना इजी है, पावर अब कटना स्टार्ट होगा बाबू। एक्स स्क्वायर से ये कटा, कितना बार में कटेगा, दो बार में कटेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से ये कटा, कितना बार में कटेगा, दो बार में कटेगा। तो तुम्हारा क्या क्या बच जाएगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, थ्री बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है।
अब हमको इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है आकाश, कर लो कर लो, क्लास कर लो। अब इसका इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं, x टू दी पावर 6 dx, सबको अलग अलग लिख दो सर, सबको अलग अलग लिख दीजिए सर, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx। देखो सबसे पहले क्या किए, 3yq का क्वेश्चन था तुम्हारा ये वाला, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्म था, a प्लस बी, देखो जहां a तुम्हारा x स्क्वायर है, b क्या है 1 बाई x स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्म था, फॉर्मूला यहां पर था, फॉर्मूला हम फॉर्मूला से इसको पूरा का पूरी खोल दिए, जब खोले इसको पूरा का पूरी तो ये चीज आ गया, खोलने के बाद देखो कितना आसान दिख रहा है, आसान दिख रहा है, हर जगह तुम्हारा x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n है, तो हम उससे इसका इंटीग्रेशन किए जा रहे हैं, क्या आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 6, नीचे वाला को ऊपर भेज दिए dx प्लस इंटीग्रेशन, 3 को बाहर फेंको, 3 एक कांस्टेंट है बाहर फेंको, फेंक दिए dx, अभी भी 3 एक कांस्टेंट है बाहर फेंको, तो x टू द पावर माइनस 2 dx आ गया, देखो कितना इजी है, दिख रहा है सबको, अभी तुम यही वाला क्लास कर नहीं रहा है और तुम हर जगह क्लास के बारे में जानकारी ले रहा, पहले यहाँ का तो क्लास कर लो, क्लास के बीच में इधर उधर कूदने से अच्छा है क्लास कर लो, x टू द पावर 6 dx, x टू द पावर माइनस 6 dx, देखो क्लास में इंटरेस्ट क्वेश्चन से लो, मास्टर के बात से इंटरेस्ट मत लो, मास्टर क्या बोलता है, मास्टर क्या नहीं बोलता है, तुमको हंसाता है खिलाता है या फिर कुछ करता है उससे मतलब नहीं है, क्लास में क्वेश्चन करवाता है कि नहीं, तुम्हारा टीचर तुमको पढ़ाने के लिए बना हुआ है, तुमको सही से पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, और वो अगर पढ़ाता है तो पूरा पढ़ा रहा है कि बस दिखा के छोड़ दे रहा है, और अगर पढ़ा रहा है तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मतलब होना चाहिए, टीचर को इससे जज करो, इससे मत जज करो कि वो क्लास में इंटरेस्ट दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है, क्लास में गा रहा है कि नहीं गा रहा है, क्लास में हंस रहा है कि नहीं हंस रहा, उससे मतलब नहीं है, तुमको मतलब यह है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा रहा सही से, थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स, समझ में आया, थ्री एक्स टू द पावर माइनस प्लस 3 एक्स टू द पावर माइनस 2 डीएक्स, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्व नहीं होगा, अगर हो रहा है तो फिर और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सब चीज इसी के अंदर है, पावर में डालो 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, बस पावर को ऊपर और नीचे जोड़ते जा रहे हैं बाबू, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी, कांस्टेंट तो देना भूलना नहीं है, पावर में एक जोड़ते गए और नीचे डिवाइड करते गए, उससे ज्यादा नहीं है, क्या हुआ x टू द पावर 7 बाई 7 प्लस x टू द पावर माइनस 5 बाई माइनस 5 प्लस 3 इंटू x 3 बाई 3 प्लस 3 इंटू x टू द पावर माइनस 1 by minus 1 plus c, यही है, जो कट रहा है उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है 3 और 3 कट रहा है सर बस, और कुछ कटने लायक नहीं है, तो उसको लिख दो सिंप्लीफाई करके, क्या लिखेंगे x to the power 7 divided by 7 minus 1 by 5 x to the power 5 plus x cube minus 3 by x प्लस सी, देखो बस सिंप्लीफाई किए और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या किए उसको इंटीग्रेट कर दिए, कैसे प्लस 1 बाई बाई 1, प्रणाम नरेश कुमार, चलो आ जाओ क्लास में, देखो कितना इजी है इंटीग्रेशन है, बस क्या करना है तुमको देखना है कि फॉर्म को x टू द पावर n में लिखे हैं कि नहीं, एक बार x टू द पावर n में आ गया
उसके बाद ऊपर प्लस वन और डिवाइडेड बाई प्लस वन कर देना, बस उससे कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, ये एक फॉर्म का था, अब दूसरा फॉर्म है। तो ये तुम्हारा फॉर्म वन था जो कि x टू द पावर n के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक वाला भी तो है, साइन एक्स कॉस एक्स वाला भी है, उसको भी देख लेते हैं पहले। तो अब दूसरा इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन से पहले एक फॉर्मूला देख लो यहां। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन का, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन का, जिसमें कि किसको कैसे फॉर्म में चेंज किया जाता है, किसको कैसे फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, जिसमें साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखना है। देखो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखना है, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखना है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखना है बाबू, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखना है। फॉर्मूला तुमको इजिली याद हो जाएगा, बस क्वेश्चन बनाते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, ढेर सारा क्वेश्चन ले लो, आराम से पलथी मार के नीचे बैठ जाओ और फिर उसके बाद आराम से रख के उसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और जैसे जैसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, फॉर्मूला देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, फॉर्मूला देखो उससे क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला देखो उससे क्वेश्चन बनाओ, इससे तुमको फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद करने का जरूरत नहीं, हम भी इसी तरीका से याद किए, केवल क्वेश्चन बना के देखो। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख देना है, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख देना है, साइन क्यूब को ऐसे लिखना है, ठीक है, टेन स्क्वायर आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देना है, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, ये रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी को ऐसे ऐसे करके लिखना, बस ये फॉर्मूला एक बार देख लो। अभी क्या देखो, तुम मेरे क्लास में देखो फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है, घर में देखना है कि फॉर्मूला से सवाल कैसे सॉल्व होता है, अभी देखो फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो इस पर सवाल देखते हैं, फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है। ये है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स का, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स का, ये फाइंड करना है बच्चा, ये फाइंड करना है। देखो डायरेक्ट ये ऐसे नहीं बनेगा, तुमको हम बोले थे इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है तुमको जितना दिखता है, डायरेक्ट ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको रिड्यूस करो हल्का हल्का, जिस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला याद है उसी पे बेस्ड आगे बढ़ाते जाओ। देखो सॉल्यूशन हल्का सा डिफिकल्ट पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो इसको हटाना स्टार्ट करो, हटाना स्टार्ट करो। कैसे हटाएंगे सर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स का डीएक्स, ऐसे लिख दिए। देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे करके लिख दिए। 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 बटा कॉस सेक होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस इसको क्या करो कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दो इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख दो और डीएक्स को डीएक्स रहने दो। हाँ विष्णु, पीडीएफ में भेज देंगे, पीडीएफ में भेज देंगे, अभी यहां ध्यान दो पहले। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, हम तुमको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है,
इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। कोई अगर बोलता है कि ये बहुत इजी है तो समझ जाओ कि वो तुमको बाबू बना रहा है, क्योंकि इजी है नहीं ये चीज। साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे हो जाएगा, बस हल्का सा दिमाग भिड़ाना है, ठीक है। देखो यही चीज था पीछे, यही चीज था पीछे, इसी को उठा करके आगे रख दिए हैं। बस देखो करना कैसे है। sec स्क्वायर dx का क्या? अच्छा चलो पहले इसको लिख लो, sec स्क्वायर x dx माइनस sin x बाई cos x क्या होता है बाबू? tan x होता है। और 1 बाई cos x क्या होता है? sec x होता है dx। ये चीज तुम लोग 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहां पर क्या है, sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx है, उसका इंटीग्रेशन चाहिए, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन चाहिए। यहां देखो sec स्क्वायर x dx कहीं है? हाँ यहां है sec स्क्वायर x dx, यहां है। देखो यहां पे है sec स्क्वायर x dx, दिख रहा होगा। तो tan x प्लस सी हो जाता है, क्या होता है? tan x प्लस सी। एक बार इंटीग्रेशन पहले कर लो तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस सी को छोड़ देते हैं अभी। देखो tan x प्लस sec, tan x इंटू sec x है, tan x इंटू sec x है, तो tan x इंटू sec x का कहां पर है? देखो tan x इंटू sec x कहां पर? यहां पर है tan x इंटू sec x। देखो tan x into sec x का क्या है? इंटीग्रल sec x plus c है, sec x plus c है, तो sec x plus c लिख दो। तो क्या हो जाएगा? sec x plus c हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हल्का सा रिड्यूस करो, रिड्यूस करके लेके आओ जहां तक तुमको फॉर्मूला याद है, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकाल दो, इतना इजी है। हाँ दीपू कुमार का आंसर सही है, ठीक है। देखो कितना इजी था। और एक आध क्वेश्चन कराते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी कॉट एक्स है, कॉट एक्स है। तो ये क्या है? कॉट एक्स है, कॉट एक्स है। और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तुम लोग जब निकालने बैठोगे इसका इंटीग्रेशन, जब तुम लोग निकालने बैठोगे इसका इंटीग्रेशन, तो सर नहीं हो पा रहा हमसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए आ रहा बच्चा, क्योंकि ये तुम्हारा जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, और उस फॉर्म में इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड पड़ता है। इसलिए इसको ईजी बनाने के लिए इसको सबसे पहले खोल दो, और खोलने के बाद देखो कि कोई फॉर्मूला है इसका या नहीं है। तो सबसे पहले इसको खोलो, उसके बाद चेक करेंगे कोई फॉर्मूला है कि नहीं। खोलो तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, चल छोड़ डीएक्स को बाद में लिखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स पहले लिख लो, प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, और डीएक्स बाहर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करो, कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस क्या, cosec x इंटू cot x और फिर से dx। अब देखो तो फॉर्मूला कोई है सर इसका? कोई फॉर्मूला है कि नहीं है? cosec स्क्वायर dx है, देखो cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x, कोई फॉर्मूला देखो तो है कि नहीं है?
यहां चेक करो, यहां देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां देखो माइनस कॉट एक्स है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है ना, तो माइनस कॉट एक्स वहां लिख दो, तो क्या होगा यहां पे माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको चेक करो तो है कि नहीं है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये देखो यहां पे, यहां देखो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स है ना, माइनस कॉसेक एक्स है ना, तो माइनस कॉसेक एक्स लिखा जाए, इजी है, बस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए बच्चे, बस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, है ये इजी ऐसे, मतलब कि कह दो कि थोड़ा सा ट्रिक लगाओ और वो इजी बन जाएगा, हल्का सा ट्रिक लगाओ और वो इजी बन जाएगा, फिर फॉर्मूला यूज कर देना, तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का तुम्हारा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, देखो हो गया ना सॉल्व, इंटीग्रेशन में क्या था, इसको खोला, खोलने के बाद देख लिया कि कोई फॉर्मूला मिल रहा है सर, खोलने के बाद रिड्यूस करने के बाद देखो कोई फॉर्मूला मिल रहा है सर, हाँ मिल गया फॉर्मूला, मार दो आंसर, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है सवाल, ऐसे सॉल्व करता है, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, बस तुमको सॉल्व करने आना चाहिए और लगाने आना चाहिए मेथड को। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, सवाल सवाल से सीखेंगे कि तुम्हारा सवाल आगे बनेगा कि नहीं, सब बनेगा, बस देखो फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन प्लस साइन टू एक्स डीएक्स, रूट अंडर वन प्लस साइन टू एक्स डीएक्स, सॉल्व मत करना, सॉल्व हम करते हैं, तुम लोग बस सीखो, सीखो खाली सीखो और बाकी हम कर देंगे तुम्हारे लिए। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था, वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहां वन लिखा हुआ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दे, तो यहां ये लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिया क्या है साइन टू एक्स, चलो dx का dx लिख दिया यहां पे, क्या बच गया यहां पे बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो हम लिखवा देंगे, चलो नहीं है फॉर्मूला देखना, साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है बच्चा, क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है सर, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, साइन टू एक्स का वैल्यू क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, याद करो याद करो, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है सर, साइन टू एक्स का वैल्यू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है सर, ठीक है। ये चीज हमसे मत पूछो, नाम तुम्हारा पढ़ा भी नहीं जा रहा हमसे, ये चीज हमसे मत पूछो, तुम हमसे मैथ्स का सवाल पूछो, तो रूट अंडर में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहां रहा तुम्हारा डीएक्स, देखो बाबू देखो ये ए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, देखो कैसे है, ये ए स्क्वायर के फॉर्म का है, तुम्हारा लिखना भी थोड़ा
प्रॉब्लमेटिक होता है. ये देखो टू, ये किस फॉर्म का है, टू ए बी, और ये किस फॉर्म का है बच्चा, बी स्क्वायर के फॉर्म का है. तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए यानी कि साइन एक्स प्लस बी क्या है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ये, और हो क्या गया डी एक्स होल स्क्वायर है. तो रूट से जब बाहर आएगा, जब रूट से बाहर आएगा, जब रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर को हटा देगा. देखो कितना सिंपल है, धीरे 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 समझते जाओ, धीरे धीरे समझते जाओ. तो लाइव जल्दी से खत्म कीजिए ना सर. अरे तो लाइव के बाद तो तुम पूछ लो, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, यहाँ के डायरेक्टर का ईमेल है, चैट ऑप्शन है, चैट ऑप्शन से जाके पूछ लो. इसको अलग करो, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी. देखो कितना इजी था, करना क्या था बस, ये दिया हुआ था तुम्हारा किधर गया, ये दिया हुआ था तुमको, बस उस फॉर्म में लेके आना था जिस फॉर्म में ये सॉल्व हो जाए, उसी फॉर्म में लेके आओ जिस फॉर्म में ये सॉल्व हो जाए. तो यहां हमको वन दिखा, वन दिखा तो हम इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दिए, फिर इसको रिड्यूस किए टू साइन एक्स कॉस एक्स में. हम देख रहे हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिए, तो वहां से इसको रूट के बाहर ले आए. मेरा मेन मोटिव क्या था, रूट के बाहर ले आना, रूट के बाहर ले आना. तो रूट का बाहर ये आ गया, एक बार बाहर आ गया, उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, इंटीग्रल इसका निकाल दिए. इतना इजी है. हाँ विष्णुराज का सही आ रहा है, आंसर आ गए, विष्णुराज करेक्ट है. नीतीश कुमार, हाँ बिहार के मुख्यमंत्री का भी सही आ गया है. चलो चलो, तो चलो अब तुमको हम पढ़ाते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल बाय ट्रांसफॉर्मेशन. इससे एक सवाल पक्का है, ये देखो जो चीज हम पढ़ाए हैं ये वाला ट्रिगोनोमेट्री वाला, उससे एक सवाल पक्का है, 110% एक सवाल पक्का है. अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे भी एक सवाल पक्का है, क्योंकि ये सवाल आता ही आता है, ठीक है. इस फॉर्म का अगर इसमें से कोई भी छोड़ा तो समझ लोगे तो अपना नंबर छोड़ रहा है. क्या है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ाने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन. तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहां पे, क्लास में अगर हो तो कुछ छोड़ना नहीं है बच्चा, क्लास में नीतीश कुमार हाँ ठीक है, क्लास में अगर कुछ है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है. अगर छूट गया कुछ भी समझ लो नंबर छूट जाएगा तुम्हारा. देखो इसका कोई रूल है नहीं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का कोई रूल नहीं है. कोई ऐसा बता दे कि रूल है सर इसमें कैसे करेंगे, रूल नहीं है. बट इसका कहानी क्या है कि इसमें इंटीग्रेशन जो है ना इस तरीका से दिया हुआ होगा कि वो इजिली तुमको सॉल्व नहीं होगा. उसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन को सॉल्वेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में तुमको मालूम है कि इससे सॉल्व हो जाएगा, उस फॉर्म में लेकर के आना पड़ता है अलग अलग मेथड के द्वारा. अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले तरीके से लेके आएंगे, ठीक है. तो इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करने वाला तरीका से लेके आएंगे. एग्जाम्पल से देखो कि कैसे कैसे इसको देखा जाता है. इसमें बस ये देखना पड़ता है कितना टाइप का प्रॉब्लम होता है, कितना टाइप का होता है. तो एग्जाम्पल देखो बच्चा,
ये रेशनलाइजेशन का है, रेशनलाइजेशन का है फाइंड क्या है। देखो इतना इजी से इंटीग्रेशन कोई नहीं पढ़ाएगा, बता दे रहे हैं, अगर कोई इतना इजी से इंटीग्रेशन पढ़ा रहा है तो समझ लो कि वो तुमको बना रहा है। क्या बाबू, बाबू तुमको बना रहा है, क्योंकि इंटीग्रल इतना इजी है नहीं, बार बार ये चीज को बोल रहे हैं, ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि कुछ छोड़ के नहीं पढ़ाया जाता है कुछ भी। प्लस रूट अंडर 4 - 3x, ये देखो दिखने में कितना हार्ड लग रहा है, कितना हार्ड लग रहा है। तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सर आप तो बताए कि 1 / √x है, 1 / x, जैसे कि 1 / √x है तो उसको हम क्या करेंगे, x^2 लिख देंगे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x^-1/2, अब वो x^n हो गया, तो +1 और -1 नीचे करके हम कर देंगे, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, वैसा नहीं है यहां पे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने वाला जो तरीका है उस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब वो तरीका यूज करो जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम नीचे वाला हटा के इसी चीज को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये पूरा चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जाएंगे, नीचे वाले को रेशनलाइज कर दो। तो क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो हम क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे वाले को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे वाला ऊपर चल जाए और ऊपर जाने के बाद ये सॉल्व होना शुरू हो जाए, और नहीं तो हम नहीं करते। गुड आफ्टरनून, इवनिंग नहीं है नीरज, आफ्टरनून है अभी। नींद से बाहर आओ नीरज, नींद से बाहर आओ, अभी अभी तुम सो के उठ रहा लग रहा है। तो इसको यहां करें, बैक में करें, चलो कहीं भी करते हैं, बैक ही में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले यहां पर देखो इसको रेशनलाइज कर देंगे, रूट अंडर क्या है, 5 - 3x, 4 - 3x, तो 5 - 3x प्लस रूट अंडर 4 - 3x, यही दिया हुआ है हमको, 5 - 3x, 4 - 3x, ठीक है, रेशनलाइज करो बच्चा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, इसके कंजुगेट से माइनस इसका कंजुगेट हो गया 4 - 3x, फिर से उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 3x - 4 - 3x, देखो हो गया बाबू। देखो अब ये देखो किस वाले फॉर्म में है, ये देखो, ये a प्लस बी यानी a प्लस बी के फॉर्म में है, और ये देखो a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहां से, अगर रूट हट गया तो मेरा काम हो जाएगा, बस हमको रूट हटाना था नीचे का। तो क्या किया जाए, ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 - 3x माइनस रूट अंडर 4 - 3x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 - 3x का होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 4 - 3x के रूट का स्क्वायर। देखो यही था, रूट हटाने का काम किए जा रहे हैं। तो क्या आ गया तुम्हारा, रूट अंडर 5 - 3x। क्लास हल्का बोरिंग हो सकता है, लेकिन हाँ बता रहे हैं ये क्लास तुमको ज्यादा फायदा मंद होगा, जो दवाई तुमको कड़वा लगता है वही दवाई तुमको आगे जाके फायदा करेगा। मीठा दवाई कभी भी तुम्हारा जख्म नहीं भरता है बाबू, मीठा दवाई कभी भी तुम्हारा जख्म नहीं भरता है, जो कड़वा दवाई होता है वही जख्म भरता है। इसीलिए अगर हम पढ़ा रहे हैं इस तरीका से, ये आगे जाके तुमको फायदा ही करेगा, ये नहीं है कि अभी तुमको खाली मजा आ जाए
और बाद में जाकर के फिर वही दिक्कत दे जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी भले हल्का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए लेकिन बाद में नहीं होगा, इतना गारंटी है मेरा। माइनस ऑफ 4x माइनस 3x, ठीक है। देखो यहां पे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3x और 4 माइनस 3x है, ठीक है। चलो नीचे वाला कैलकुलेशन कर लो, ऊपर वाला का रिड्यूस करो। 5 माइनस 3x माइनस ऑफ रूट अंडर 4 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई क्या है 5 माइनस 3x माइनस 4 प्लस 3x, 3x से 3x कट गया, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रूट अंडर 5 माइनस 3x रूट अंडर 4 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1, यही है। देखो 5 माइनस 4 1 आ गया और ऊपर का ऊपर ऐसे तरह से लिख दिए। अब ये सॉल्व होने वाला फॉर्म है, अब ये सॉल्व होने वाला तरीका से बन चुका है। तो क्या आ गया है 5 माइनस 3x आ गया है और माइनस रूट अंडर 4 माइनस 3x आ गया है, आ गया आ गया आ गया। बस यही तक तो हमको लाना था, इसके बाद तो मेरा कहानी शुरू होता है। अब इंटीग्रेट करो इसको, अब इंटीग्रेट करो, क्या करो अब इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन अब निकालो इसका, चलो 5 माइनस 3x का और तुम्हारा रूट अंडर 4 माइनस 3x का dx। देखो ये क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन था, हम क्या देखे कि ये इजिली सॉल्व नहीं होगा सर, हमको नीचे से इसको हटाना ही है, हमको इसको नीचे से हटाना ही है। गुड आफ्टरनून पुष्पा, झुकना नहीं है पुष्पा, झुकेगा नहीं पुष्पा, समझा। देखो नीचे से हमको हटाना ही है, नीचे से हमको हटाना और तब जाकर के मेरा काम होगा। तो हम इसको रेशनलाइज करना शुरू किए, रेशनलाइज करना शुरू किए। तो देखो रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से, कंजुगेट क्या होता है, अगर ये a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेरा कंजुगेट होता है। तो a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, ताकि नीचे वाला मेरा रूट हट जाए और जाके सॉल्व हो जाए। तो a प्लस बी a माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आया बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आया, नीचे से रूट हट गया। अब रूट हट गया तो इसको सॉल्व किए तो नीचे वाला वन, मेरा कहानी यहीं पर तो फिनिश हो गया। अब हमको इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था, अब इंटीग्रल इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किए। तो इंटीग्रल को डिवाइड करो बाबू, अच्छा इसको ये लिख दे 5 माइनस 3x का पावर 1 बाई 2 dx, क्योंकि रूट तो 1 बाई 2 ही होता है। माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 3x ऑफ का पावर 1 बाई 2 और ये dx है, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत, रूट को 1 बाई 2 लिख दिए, रूट को 1 बाई 2 लिख दिए बस, और सबको हटा दिए। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है, वीरेंद्र, आइए आइए। हेलो वीरेंद्र, हेलो हेलो वीरेंद्र, हेलो। तो क्या आ रहा तुम्हारा 5 माइनस 3x का पावर हाफ dx माइनस ऑफ 4 माइनस 3x का, सॉरी 4 माइनस 3x का पावर हाफ dx आ गया बच्चा। बस अब क्या करो कि ये देखो x टू द पावर n है ना, ये भी x टू द पावर n है, बस x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन हमको एक बात बताओ, यहां तो 5 माइनस 3x है ना सर, 5 माइनस 3x है ना सर, एक काम कर ले हम यहां पे, हम इसको पूरा का पूरी t मान लें, चाहे वो छोड़ो, तुमको एक डायरेक्ट रूल बताते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करो, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालो, क्या आ जाएगा 5 माइनस 3x का पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 हो गया, यही इंटीग्रेशन था ना, यही इंटीग्रेशन था ना, ठीक। अगर अंदर में माइनस 3 है, x के साथ में माइनस 3 है, तो नीचे भी माइनस 3 लिख दो x के साथ में, क्या होगा यहां पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में x के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई था, नीचे में कर दो, इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा।
ये आसान रूल है, आसान रूल है, इजी रूल है. 4-3x का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1. अब देखो x के साथ हम माइनस 3 मल्टीप्लाइड है तो माइनस 3 यहां लिख दो, हो गया इसका काम. और एक चीज तो सर, एक चीज हम जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, क्या? हमारा कांस्टेंट सर, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है. अगर डेफिनिट होता तो कांस्टेंट यूज नहीं होता. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3x का पावर 1/2 + 1, तो एलसीएम लो तो 3/2 हो जाएगा बाबू, 3/2 और डिवाइडेड बाई ये भी 3/2, 3/2 और मल्टीप्लाइड क्या है, माइनस 3, मल्टीप्लाइड माइनस 3 है, दिख रहा है, इज इट विजिबल? हाँ दिख रहा है, इट्स विजिबल. माइनस, अब इसको भी कैलकुलेट करो, 4-3x का पावर 3/2 हो गया, यहां 3/2 लिख दो, नीचे में देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 प्लस 3 हो गया. अब इसको और रिड्यूस कीजिए सर, और रिड्यूस कीजिए सर, तो 5-3x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू माइनस 3 प्लस, देखो यही था 5-3x टू पावर 3/2, 3/2 माइनस 3, 4-3x प्लस नहीं माइनस है, क्या से क्या हो गया, 4-3x, 4-3x टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू माइनस 3 प्लस सी. देखो यही तो था, इसको रिड्यूस कर रहे हो, कर दिए. अब इसका कैलकुलेशन करो बच्चा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करो, हल्का सा बोरिंग लगेगा बट मजेदार होगा. 5-3x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई -9/2, देखो 3 * 9 -9/2, सेम यहां भी होगा, माइनस 4-3x टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई -9/2 प्लस 3 होगा सर. इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको -2/9 5-3x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, और इसको भी प्लस 2/9 क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4-3x टू द पावर 3/2. ये पेशेंस रखने वाला सब्जेक्ट है बाबू, पेशेंस रखने वाला सब्जेक्ट है. अगर धीरज नहीं रखोगे तो ये सब्जेक्ट तुमको छोड़ देगा, मतलब ये टॉपिक तुमको छोड़ देगा, पेशेंस रखो. देखो कितना इजी था कि ये क्या, हम यहाँ पे देखो कितना लंबा गया है. एक्चुअली ये तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये. ये PYQ में ऐसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड है, आगे ऐसा क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में. इसे ध्यान से देखो क्या था, नीचे में था, हमको नीचे में तो करने नहीं आता है सर कि नीचे वाला रूट कैसे हटाएं, उसके लिए रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर दो. तो रेशनलाइज किए तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए सर. अभी a प्लस बी और a माइनस बी था सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, पावर 1/2 कैसे हो गया बता रहे हैं बच्चा, बता रहे हैं 1/2 कैसे हो गया. वन बाई टू कहाँ हो गया, सही, अरे ये 3/2 होगा ना रे, देखो जल्दीबाजी का कहानी, 3/2 होगा ये 3, ये 3. अब ठीक है, चलो बच्चा लोग ध्यान दे रहा है, डायरेक्ट गलती पकड़ता है. ये सर ये रहा आपका गलती, और आप जीतते हैं 50 लाख रुपए. तो क्या किए कि इसको रेशनलाइज की, रेशनलाइज करने के बाद नीचे से रूट हट गया, जब नीचे से रूट हटा तो देख रहे हैं कि केवल 1 बच रहा कट छट के, फिर ऊपर में केवल एक्सप्रेशन रूट आ रहा है, केवल ऊपर में रूट आ रहा है, दोनों रूट को अब हमको मिल गया.
क्योंकि हमको ऊपर वाला ही रूट करने आता है काम, तो ऊपर वाला रूट लिए, उसको हाफ हाफ में लिख दिए, पावर में ऐसे ऐसे लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे कि x टू द पावर n के रूल से अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n से कर दिए। करने के बाद देख रहे हैं क्या कि यहां x के आगे माइनस थ्री भी है, x के आगे माइनस थ्री भी है तो माइनस थ्री से डिवाइड कर दो, x के आगे माइनस थ्री भी है तो माइनस थ्री से डिवाइड कर दो। ये रूल बना लो कि होगा, क्यों होगा ये बताएंगे थोड़ा देर के बाद, अगले टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले ये डिवाइड होगा ये चीज जान लो, डिवाइड कर दिए हैं और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किए। तो ये रहा सिंप्लीफिकेशन और ये रहा तुम्हारा आंसर। सी हाउ इट इज इजी। हाँ पावर थ्री बाई टू होगा, बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया अभी अभी जस्ट। आप ठीक है, विष्णु बोल रहा आप ठीक है, आप ठीक है, आप विष्णु चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है छोड़ो, ये क्वेश्चन बाद में देंगे, नया टॉपिक के बाद में देंगे। ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इसके बाद ही सब होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद हम आज का क्लास ऑफ करेंगे, केवल यही टॉपिक पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तब तक दो सेकंड तुम भी रेस्ट लो और दो सेकंड हमको भी दो। और बताओ इसका पीडीएफ मिलेगा? हाँ मिलेगा। और बताओ क्या हाल है? तुम भी रेस्ट दो और हमको भी दो, दो मिनट रुक जाओ केवल। अरे जिंदा है कि मर गया रे सब? इसका पीडीएफ सब थम्स अप करो तो थम्स अप करो, मालूम चलना चाहिए जिंदा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि क्लास करते करते बोल दे सर कि अब मन नहीं कर रहा है। सर्वेंद्र कुमार पॉलिटेक्निक फाइव सेमेस्टर सीएससी, ब्रिंग अप सिक्स, ब्रिंग अप सिक्स क्या? ऐसा कौन सा अंग्रेजी लिख रहा सर्वेंद्र, ये क्या है, क्या ब्रिंग अप? आईओटी क्लास, पाइथन क्लास, पीएचपी क्लास, आईओटी क्लास, पगला गया है कारे? क्या लिख रहा है लड़का? हाँ सर्वेंद्र अब कुछ मत लिखो, तुम बहुत लिख चुका है। कुंदन चंदन, तुम्हारा नाम कुंदन है या चंदन है पहले ये बताओ। ओ विष्णु राज, चलो वैसे आज का ये देखो कितना आज का अच्छा थंबनेल बनाए थे, ये खुद से डिजाइन किया हुआ थंबनेल है, कितना अच्छा है आज का थंबनेल था तुम्हारा। इनडेफिनिट इंटीग्रल तुम लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा था ना, चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब मेथड्स वाइज सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं।
देखो तुमको नाम से ही मालूम चल रहा होगा, तुमको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करके आता है, यानी कुछ चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा इसका। यहाँ पे मानना पड़ेगा कि कोई चीज को कि वो क्या है, ठीक है, नाम ही से मालूम चल रहा है। एग्जाम्पल से और समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। एग्जाम्पल देखो बच्चा, बिना एग्जाम्पल के कूदना बेवकूफी है, एंड वी आर नॉट बेवकूफ्स, वी आर पागल बट नॉट बेवकूफ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू और रूट अंडर क्या है यहां पे, 2x+1 है, 2x+1 है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन निकालना है। ओ वेरी क्या डेंजरस, क्या डेंजरस है। देखो यहां पे बताओ, इसका इंटीग्रेशन इजीली निकलेगा नहीं ना, इंटीग्रेशन इजीली नहीं निकलेगा ना, बट इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मान लो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, लेट कि 2x+1, देखो हमको रूट हटाना है किसी भी तरीका से, क्योंकि अगर सिंगल रूट होता, केवल एक ही रूट का सवाल होता, जैसे कि मान लो अगर सवाल ऐसे होता रूट अंडर 2x+1 dx, तो हम इसको सॉल्व करते, क्योंकि केवल एक ही फंक्शन है, केवल एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, 2x+1 का फंक्शन है बस, इसलिए हम उसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहां देखो दो दो फंक्शन आ रहा है, कौन कौन, एक तो रूट अंडर 2x+1 आ रहा है, और दूसरा नंबर क्या आ रहा है, x+2 आ रहा है। तो ये दो दो फंक्शन है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब इस तरीका का सवाल आए कि दो दो फंक्शन हो और सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उस केस में हम इसको सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ये अंदर का चीज को बाहर निकालेंगे। इसको टी मान लिए, मान लो 2x+1 इज इक्वल टू टी हो गया, तो यहां से डिफरेंशिएशन यूज करो, d/dx ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू dt/dx। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू dt/dx है, ठीक है। यहां से देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, टू, ऑनली टू हो जाएगा। ये तुम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हो, जो जो मेरा क्लास डिफरेंशिएशन का कर चुका है उसको मालूम होगा कि हम ये इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट किए हैं, और कैसे किए हैं, हम इसको कांस्टेंट को एक जगह लिए हैं तो वो जीरो हो गया है, और टू को बाहर फेंक के dx/dx 1 हो चुका है वहां पे, तो ये डायरेक्ट टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां से dx का वैल्यू निकालो, dx क्या हो जाएगा, dt/2, रखो इसको अपने पास में, इसको अपने पास में रख लो, अच्छा ये बताओ कि 2x+1 इज इक्वल टू t आ रहा है, 2x+1 इज इक्वल टू t आ रहा है। मेरा क्लास का टाइम है तुम्हारा, देखो मेरे क्लास का टाइमिंग है MWF में, इस समय दो क्लासेस चलती हैं मेरी, ठीक है। तो आज क्या हो रहा है, MWF है, तो 12 से लेकर के 2 तक है, ठीक है ना। TTF है, TTS है हमारा, एक 11 बजे से 2 बजे तक, 11 से लेकर के अब 12:30 तक, 11 से 12:30 तक। ये है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और फिर उसके बाद 12:35 से 2 बजे तक है मैथ्स। ये है, स्क्रीनशॉट ले लो,
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हाँ बच्चा देखो यहां पे क्या किए कि ये चीज इजिली सॉल्व नहीं होने वाला था, इसलिए हमको रूट से इसको बाहर निकालना पड़ा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन का यूज किए। सब्स्टिट्यूशन में क्या किए हैं, 2x प्लस 1 को t मान लिए, मान लिए कि 2x प्लस 1 क्या है, t है। तो हम क्या किए कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए हैं, तो d by dx किए। तो करने के बाद क्या आ रहा है, इसको हटा रहे हैं हम, करने के बाद क्या आ रहा है, करने के बाद यहां पे आ रहा है 2 इज इक्वल टू dt by dx। यहां से dx का वैल्यू क्या आ रहा है, dt by 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम क्या आगे करने जा रहे हैं। एक बात बताओ, 2x plus 1 is equal to t है ना, x का वैल्यू हम निकाल ले यहां से, क्योंकि x हमको यहां डालना पड़ेगा, t के टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो 2x plus 1 is equal to t है, तो यहां से 2x is equal to t minus 1 आ जाएगा। तो यहां से x is equal to t minus 1 by 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से x is equal to t minus 1 by 2 आ जाएगा। बस अब देखो हम क्या करने वाले हैं। इंटीग्रेशन क्या था तुम्हारा, अब देखो इंटीग्रेशन क्या था तुम्हारा, इंटीग्रेशन था x plus 2 root under 2x plus 1। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, लेकिन हाँ सारा का सारा पढ़ो जो जितना पढ़ना है, उसमें से मजा लेने के चक्कर में कुछ छोड़वा मत देना, नहीं तो लेना का देना पड़ जाएगा अगर कुछ छूट गया तो। इसलिए पूरा पढ़ो, इंटरेस्ट पढ़ाई में लो, मास्टर में नहीं। देखो x क्या था, t माइनस 1 बाई 2 था, x क्या था, t माइनस 1 बाई 2 था। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, t माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 हो गया। और ये देखो रूट के अंदर क्या है, यहां अभी अभी 2x प्लस 1 को t माने हैं, 2x प्लस 1 को t माने हैं, तो 2x प्लस 1 को क्या माने हैं, t। ठीक है, dx क्या आ रहा है, dx आ रहा है dt by 2, dt by 2। तो यहां से dt by 2 लिख दो, dt by 2 लिख दो, सिंप्लीफाई करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 प्लस 2। तो t माइनस 1 तो क्या आ रहा है, t माइनस 1 दो दूनी 4 प्लस 4 बाई 2, और इंटीग्रल में और यहां पर रूट टी आ गया, और ये क्या है dt टी बाई 2। और सिंप्लीफाई करो इसको, और सिंप्लीफाई करो, तो क्या है t माइनस 1 प्लस 4 बाई 2, t माइनस 1 प्लस 4 बाई 2 रूट टी, रूट टी को t टू द पावर 1 बाई 2 लिख रहे हैं, और dt बाई 2 है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 प्लस 4, तो क्या हो गया t प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू dt बाई 2। अब देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और बाहर निकाल दो 4 को, ये 2 नीचे वाला 2 और इसका नीचे वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, क्योंकि कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है, ये चीज हम बताए थोड़ी देर पहले। और यहां क्या है t टू द पावर हाफ, और ये हो गया dt। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट पेज में। तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 3 और यहां t टू द पावर हाफ dt इज इक्वल टू 1 बाई 4 मल्टीप्लाई करो t इंटू टी टू द पावर हाफ प्लस 3 इंटू टी टू द पावर हाफ dt क्या हो जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 क्यों, क्योंकि t का पावर 1 है
और यहाँ टी का पावर हाफ है, और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे किए हैं प्लस थ्री का पावर इतना डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लंबा लेके जा रहे हैं बाबू ताकि समझ में आ जाए, स्टेप जंप करना रहता तो कर चुके होते, टी टू द पावर थ्री बाई टू डी टी, अब यहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं, टी टू द पावर थ्री बाई टू डी टी प्लस थ्री टी टू द पावर हाफ डी टी प्लस थ्री टी टू द पावर हाफ डी टी, समझ में आ रहा है, यहां तक देखो समझ में आ गया सबको, बस कुछ नहीं किए, इसको टी के फॉर्म में लिख करके उसको रिड्यूस कर दिया है, इंटीग्रेशन तो करना भी बाकी है, अभी तो किए भी नहीं है, वन बाई फोर। इसलिए पेशेंस से देखो, कंसेप्ट को बिल्डअप करो, रटो नहीं, कंसेप्ट को बिल्डअप करो, कैसे 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 करेंगे अगर आएगा तो, बस ये सब चीज देखो। तो ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री बाई टू प्लस वन, देखो यहां पे ये x टू द पावर n है, x टू द पावर n है तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, यही फॉर्मूला था, प्लस थ्री x टू द पावर n है तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन, शाबाश, ऐसा ही करके। और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किस चीज का, प्लस c लिखने का, तो ये भूलेंगे नहीं सर हम, और इसको रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर थ्री बाई टू प्लस वन, क्या हो जाएगा, एलसीएम टू हो जाएगा, तीन दो पांच, पांच बटा दो, देखो तीन दो पांच, पांच बटा दो, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, पांच बटा दो, और नीचे भी क्या हो जाएगा, पांच बटा दो प्लस थ्री इंटू टी का पावर थ्री बाई टू, और यहां पर क्या, थ्री बाई टू और प्लस C। चलो सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू वन बाई फोर टू बाई फाइव, टू बाई फाइव टी का पावर फाइव बाई टू प्लस, देखो ये फाइव बाई टू था, ऊपर जाएगा तो टू बाई फाइव हो जाएगा, फाइव बाई टू था ऊपर जाएगा तो टू बाई फाइव हो जाएगा, बस देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है। यहां क्या हो जाएगा, थ्री थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू, रुक जाओ हल्का सा, थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, देखो यहां पे थ्री था पहले से, थ्री था पहले से, थ्री रहने दिए हम यहां पे, ये थ्री बाई टू था, ऊपर जाएगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा, तो ऊपर गया तो टू बाई थ्री हो गया, ये क्या है थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू, इधर भी ये टी टू द पावर थ्री बाई टू, थ्री और थ्री अब क्या होगा, कटेगा, काट दो, थ्री और थ्री कट गया, तो यहां क्या हो जाएगा, वन बाई फोर टू बाई फाइव फाइव बाई टू प्लस टू टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अच्छा एक बात हमको बताओ, अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से यहां भी टू है और यहां भी टू है, दोनों तरफ टू है, टू को बाहर निकालो तो टू बाई फोर टी टू द पावर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव प्लस टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, बस सिंप्लीफाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये देखो टू से फोर कट रहा है कितना बार में, टू बार में, टू से फोर कट रहा है टू बार में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, टी टू द पावर फाइव बाई टू बाई फाइव हो जाएगा, देखो हड़बड़ाना नहीं है, ये सब चीज अगर हड़बड़ाओगे तो माइनस और प्लस में गलती हो जाएगा और पूरा इंटीग्रेशन लेके डूब जाएगा,
इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से करो, थोड़ा सा टाइम लेगा पर एक बार आदत हो जाए तो इजीली बन जाएगा, खाली आदत लगाने भर का देरी है, समझे। टी टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई, देखो 5 × 2 = 10, 10 यहां लिख दिए, प्लस टी टू द पावर 3/2 / 2 प्लस सी, ठीक है यहां तक आ गया है। ठीक है ना, अब क्या करो, टी क्या लिए थे बाबू, टी क्या लिए थे, टी का टी हम क्या लिए थे, 2x + 1 लिए थे ना, टी टी क्या लिए थे, 2x + 1, 2x + 1 वहां आप डाल दो क्योंकि इंटीग्रेशन तो x में है ना, t में नहीं ना है, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो, क्योंकि इंटीग्रेशन t में है नहीं है x में है, तो इसलिए इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे, 2x + 1 5/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2x + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। समझ में आया सबको, देखो कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सिंपल क्या करना था बच्चा, सिंपल क्या करना था, ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व नहीं होता, तुम देख के पता लगा सकते हो, ये देख के पता लगा सकते हो कि ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व नहीं होगा, हम इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इसको x^n के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि यहां पर ये देखो अलजेब्रा है, साइन कॉस कहीं नहीं है, साइन कॉस लॉगरिदम ऑगरिदम कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है इंटीग्रेशन करने के लिए, केवल x^n हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरा बात, हम एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बताएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स मॉड एक्स, इसके अलावा और कोई चीज में इंटीग्रेशन आएगा नहीं, साइन एक्स कॉस एक्स क्या क्या चीज में आ जाएगा बच्चा, देखो यहां पर ध्यान से, ध्यान से देखो ये चीज को, कंसेप्ट को बिल्डअप करो, कंसेप्ट को बिल्डअप करो, साइन एक्स में हो सकता है, कॉस एक्स में हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है, पूरा पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है, या क्या हो सकता है, e^x में हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, log x में हो सकता है बच्चा, log x में हो सकता है, ये तीन चीज के अलावा और अगर कोई चीज बचा तो वो केवल x^n में होगा, यही चार चीज पे इंटीग्रेशन सब कोई खेलता है, केवल ट्रिगोनोमेट्री में खेलेगा, किसमें, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स जो भी ट्रिगोनोमेट्री में आएगा, या e^x में खेलेगा, ठीक है, या तो log x में खेलेगा, या तो x^n में खेलेगा, अब बताओ, अब हमको ये चीज बताओ कि यहां साइन एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, कॉस एक्स दिख रहा है, नहीं सर, ट्रिगोनोमेट्री का एक चीज नहीं दिख रहा सर, लॉग एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, e^x दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, क्या दिख रहा है, केवल केवल एक्स दिख रहा है सर, केवल एक्स दिख रहा है, यानी x^n दिख रहा है, यानी ये चीज सॉल्व तब होगा जब तुम x^n में लेके आ जाओगे सबको, यानी हर एक कोई x^n होगा, अब x^n लाना तो मुश्किल है, काहे के लेके यहां तो पूरा का पूरी फंक्शन दिया हुआ है, तो तुमको इस फंक्शन को अंदर से लेके बाहर निकालना पड़ेगा, पहले बाहर निकालना पड़ेगा इसको, तो हम बाहर निकालने के लिए इसको टी मान लिए, मान लिए कि ये टी है, ये टी हो गया, अब हमको यहां से एक्स हटा के इसको भी तो टी लाना पड़ेगा, तो यहां पे एक्स को टी के रूप में हम ला दिए, अब इसको हमको डीएक्स है तो उसको भी डीटी के फॉर्म में लाना होगा, तो यहां से हम डिफरेंशिएशन किए बाबू, और डिफरेंशिएशन करके क्या किए, डीटी को डीटी के फॉर्म में ले आए, यानी डीएक्स ला दिए डीटी बाई 2 के फॉर्म में, ठीक है, अब पूरा का पूरी को हम टी के फॉर्म में लिख देंगे ताकि रूट से बाहर आ जाए, तो क्या किए, पूरा पूरी था इसको हम टी के फॉर्म में लिख दिए, इसको टी के फॉर्म में लिख दिए, इसको टी के फॉर्म में लिख दिए, अब देखो इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करके ऐसे आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में लेके आ चुके हैं, सॉल्व करते जाओ बस, सॉल्व किए ऐसे ऐसे फॉर्म में आ गया, ऐसे फॉर्म में आ गया, सॉल्व करते जाओ बस, सॉल्व करते जाओ, अब क्या देख रहे हो कि ये x^n के फॉर्म में आ चुका है, देखो t^n, अब तो तुमको x^n का फॉर्मूला मालूम ही है, ऊपर में प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, काम खत्म, तो हम ये चीज किए, लेकिन हाँ ये चीज कर दिए, इसको सॉल्व करो,
करने के बाद यहां पर आए, ये भी सॉल्व किए करने के बाद, लेकिन ओरिजिनल टी का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा ना, कर दिए। ये था तुम्हारा कंसेप्ट, ये था कंसेप्ट के साथ साथ आंसर ये था। फिर से बताइए विष्णु कुमार, हाँ ये बिहार वाले में है, शिवम तिवारी बिहार वाले में है। चलो फिर से बताएं या फिर इसको हम ओवर करें, क्या फिर से बताना है तो यहां पे बोलो कि फिर से बताना है, और नहीं तो अगर समझ में आ चुका है तो ऐसे ऐसे करो, समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे करो, और नहीं तो फिर से बताने बोलना तो फिर से बताओ, बोलो हम फिर से बता देंगे। यस सर, क्या हाँ या ना? चलो अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से देख लो, एक क्वेश्चन और कराते हैं इससे देख लो, अगर इसमें डाउट है तो इस क्वेश्चन से देख लो सॉल्व कैसे होता है, बस कंसेप्ट बिल्डअप करो, बाकी सब तो तुम लोग कर ही लोगे। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डीएक्स। हाँ समझ में आ गया सबको। देखो ये चीज जो है इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है हमको पूरा, अच्छा देखो ये sin x cos x कहीं पर है, ट्रिगोनोमेट्री वाला sin x cos x tan x sec x ऐसा कुछ है? कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है। log x है? नहीं है सर, log x से भी नहीं है। e टू द पावर x है? नहीं सर, e टू द पावर x भी नहीं है सर। तो क्या है? केवल x है सर, केवल x है। यानी कि ये चीज सॉल्व कब होगा? जब x टू द पावर n होगा, यानी ये पूरा को केवल ऊपर में, केवल न्यूमिरेटर में x टू द पावर n लाना है, केवल न्यूमिरेटर में x टू द पावर n लाना है, नीचे में नहीं, नीचे में नहीं, ऊपर में केवल x टू द पावर n लाना है। वो चीज लाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा? हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को क्या मान रहे हैं? टी मान रहे हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। अरे क्या नहीं, क्या नहीं, अच्छा दिक्कत नहीं, बड़ी लेट से बोलता है लड़का। तो 1 प्लस एक्स, चलो पीछे करते हैं इसको, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी। पीछे करने का पता है क्या फायदा है? तुमको एक फायदा दिखाते हैं। देखो यहां टोटल पेज गिन, पेज तुम गिन नहीं सकते हो, हम पेज बताते हैं। यहां टोटल 40 पेज हो चुका है, पूरा का पूरी ये वाला 40 पेज हो चुका है। जब जो पढ़ने वाला नहीं है ना, यानी जो क्लास नहीं किया है, वो देखेगा क्या 40-50 पेज का पीडीएफ, इतना पढ़ा दिए हैं सर, थोड़ा थोड़ा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो वो लोग ऐसे भी नहीं देखेगा। जिसको देखना है ना, वो अभी क्लास कर चुका है, वो क्लास करके क्या देखा कि अरे 40-50 पेज में तो कुछ है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये बात। लेकिन एक बार देख लो, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए देख लो, देखो इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, सॉल्व हो जाएगा, अच्छा बात है। लेकिन इसको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए देख लेते बच्चे, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये डी वन बाई डी एक्स तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया x टू द पावर 4, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी 4 उतरेगा, x टू द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो गया इज इक्वल टू dt बाई dx। अब देखो 4x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, dt बाई dx। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से dx का वैल्यू निकाल लो, dx का तो dt बाई
4x क्यूब हो जाएगा, dt बाई क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम ये वैल्यू निकाल लिए, अब सॉल्व करने चलते हैं। पीडीएफ तुमको अपलोड कर दिया जाएगा, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, पिछला वाला पीडीएफ बहुत सारा अपलोड हो चुका है, बस कुछ कुछ बाकी है, कुछ कुछ बाकी है, बाकी सब अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर 3 बाय 1 प्लस x टू द पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। ठीक है, इसको भी पीछे ही करते हैं, इससे तुम्हारा जगह भी बच जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। चलो इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 4 को क्या माना था, 1 प्लस x टू द पावर 4 को क्या माना था, t माना था बच्चा, तो t यहां पर पुट कर दो, यहां 1 प्लस x टू द पावर 4 की जगह t पुट कर दो। ठीक है, dt क्या था तुम्हारा, dt था, dx क्या था, dt बाई 4x क्यूब, dx क्या था, dt बाई 4x क्यूब, dt बाई 4x क्यूब। अच्छा यहां पर तो x क्यूब सेम आ रहा है, दोनों को हटा दो, हटा दिए सर, अब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 4t, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 4t, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 4t, क्या करो 4 को बाहर निकाल दो, एकदम प्रेम से ऐसे करके करके बाहर निकाल दो, कैसे बाहर निकालना है करके। ठीक है, चलो देखो यहां पे, अब देख तो dt बाई t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन, 1 बाई t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, फॉर्मूला खोजो, फॉर्मूला कहां है, फॉर्मूला 1 बाई t का, 1 बाई x का फॉर्मूला देखना हमको सर। देखो ये चीज तुमको रटने के लिए हम बोले थोड़े थोड़ा देर पहले, वापस आओ ना, आ जाओ आ गया, ये चीज थोड़ा देर पहले बोले थे, इसको खाली देख लेना, बोले थे ना 1 बाई x dx इज इक्वल टू log mod x है, गलत है, g a के साथ lat भी है, गलत है, तो log mod x हो जाएगा बच्चे, तो क्या हो गया 1 बाई 4 लॉन्ग मॉड टी हो जाएगा, और जन्म सिद्ध अधिकार सी को छोड़ना नहीं है, ये क्या हो गया 1 बाई 4 लॉन्ग, लॉन्ग बोलो या लॉग बोलो बात सेम है, लॉग बोलो या लॉन्ग बोलो बात सेम है, बस बेस में ई आ जाता है तो लॉन हो जाता है। टी के जगह क्या है 1 बाई एक्स टू द पावर 4, टी के जगह क्या है 1 बाई एक्स टू द पावर 4, पुट कर दो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, आ गया, ये है तुम्हारा आंसर, क्या है आंसर, अब बोलो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो, ये दूसरा एग्जांपल से समझा दिए हैं, इसको लॉन कहा जाता है, लॉन लॉन क्या कहा जाता है, ये बता चुके हैं पहले हम तुमको, इसको कहा जाता है लॉन लॉन लॉन, कैसे बोले हम, लॉन हिंदी में लिख देते हैं लॉन, ये लॉन है और ये होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस में ई है, ई है, यही होता है लॉन, समझे, समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है, और कल एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद करवाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, इस पे भी क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, पीवाईक्यू से क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सारा मिल रहा है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन कल करवाएंगे पीवाईक्यू का और उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे, कल तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये तुम्हारा आज भर देख लो, ऑल वेल, सबको समझ में आ गया है, ऑल वेल, सबको समझ में आ गया है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, जो चीज बोलना है इसमें बोल दो, आज का क्लास कैसा लगा वो भी बता दो यहां पे। अब हम क्या करेंगे, टाटा और बाय बाय दोनों को याद कर लेंगे, क्लास कैसा था वो भी बता दो और समझ में आया कि नहीं आया ये भी बता दो। द एंड, द एंड, इसके साथ टाटा और बिरला, बाय बाय, टाटा बाय बाय बाइट, बाय बाइट सबको। अच्छा ये पहला वाला थंबनेल तो हम रखना पड़ेगा, देखिए हाँ यही तो प्राइड है अपना थंबनेल के साथ में। बहुत आ, क्या बहुत आ, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। क्लास एंड करें आज का, क्लास एंड कर दे आज का। हाँ बहुत मजा आ गया, इंडेफिनिट इंटीग्रल में इतना ही पढ़ना है विष्णु, इंडेफिनिट इंटीग्रल में दो चीज और पढ़ना है, एक चीज है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और तुम्हारा एक और कोई टॉपिक है अभी याद आ नहीं रहा हमको, वो टॉपिक है तुम्हारा वो भी पढ़ना, दोनों तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा और मैं भी कल डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। आरडी शर्मा के बुक से क्वेश्चन करेंगे सर जी, नहीं विष्णु आरडी शर्मा से मत करो, तुम अब क्या करो पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो, आरडी शर्मा छोड़ दो। हाँ सुपर क्लास हो चुका है तो वीडियो पे कमेंट भी कर देना तुम लोग, जब वीडियो अपलोड हो उस समय कमेंट भी कर देना, ऐसे ही केवल यहाँ पे मत कमेंट करते रहो कि सुपर क्लास सुपर क्लास।